फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आपका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका स्टार आइडिया में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी, जो इडली और डोसा से बहुत पसंद की जाती है। तो सबसे पहले मैंने कच्चा नारियल ले लिया, ये आधा कच्चा नारियल है, इसको कट कर लिया है। धनिया पत्ता ले लिया है, इसको भी कट कर लिया है। आधा छोटा प्याज लिया है, इसको भी कट कर लिया है। कड़ी पत्ता चाहिए हमें तड़के के लिए। एक हरी मिर्ची है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। तड़के के लिए हमें आधी छोटी चम्मच जीरा चाहिए, आधी छोटी चम्मच हमें राई चाहिए यानी सरसों चाहिए, और नमक स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले एक जार ले लेंगे, उसमें हम अपने कच्चे नारियल डाल देंगे जिसको मैंने कट किया है, धनिया पत्ता डाल देंगे, प्याज डाल देंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे, और इसको हम पीस लेंगे। तो ये मैंने पीस लिया है, लेकिन इसमें अभी पानी नहीं डाला है, इसमें हम अब पानी डाल के इसको पीसेंगे। तो ये मैं बहुत थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ, ये देख रहे हैं, मैंने इसे पानी डाल के पीस लिया है। तो ये रेडी है हमारा नारियल का चटनी। लेकिन अब इसका तड़का हम तैयार करेंगे, तो इसका तड़का तैयार करते हैं। तो मैंने तड़का पैन चढ़ा लिया है, उसमें एक चम्मच मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अब इसमें जीरा मैं डाल दूंगी, राई डाल दूंगी, और ये दोनों को चला लेंगे हम लोग। तो ये रेडी है, फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद ही इसमें मैं कड़ी पत्ता डालूंगी। तो इसको अच्छे से चला लीजिए। तो तड़का हमारा रेडी है, अब हम अपनी नारियल की चटनी में इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये मैंने मिक्स कर लिया है, देख रहे हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे। इसको और पतला कर सकते हैं आप, तो और पानी डाल सकते हैं इसमें। तो तैयार है हमारी नारियल की चटनी इडली और डोसा से खाने के लिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।